अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत की कुछ ऐसी न्यूज जो कि वर्करों के लिए बहुत ही मुश्किल है। और वो क्यों मुश्किल है, आप लोग थंबनेल देख कर समझ गए होंगे कि क्या है, क्या रूल आया है, क्या नियम आया है इकामा को लेकर। तो गाइस, अभी जो है हर किसी का इकामा बनने से पहले उसका जो है टेस्ट होगा। किसी का एकामा अब रिन्यूअल नहीं होगा। जिसका भी एकामा अभी बना हुआ है, चाहे वो एक साल का हो या दो साल का हो, या बना हुआ है, अब जब उनका एकामा रिन्यूअल होगा तो उससे पहले उनका टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो टेस्ट में पास हो जाते हैं तब जाके जो है उनका एकामा रिन्यूअल होगा। तो गाइस, आप लोगों ने ये न्यूज सुनी होगी, लेकिन सब लोगों ने 2 मिनट से 3 मिनट से की वीडियो बना के आप लोगों को ये न्यूज दिया होगा और सिर्फ मोटा मोटा आप लोग को बता दिया होगा कि ये नियम आने वाला है और जो है एकामा रिन्यूअल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप लोगों को किसी ने नहीं बताया है। टेस्ट होगा तो कैसे टेस्ट होगा ये भी आप लोगों को किसी ने नहीं बताया है। और क्यों ये कानून आया है ये भी नहीं आप लोगों को बताया होगा। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोग बने रहे आखिरी तक, मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आखिर में ये कानून क्यों लागू किया गया है और इससे हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि एकामा रिन्यूअल नहीं होगा तो हम घर चले जाएंगे और हमारा नुकसान ही होगा। तो गाइस, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर में सिर्फ नुकसान होगा या फायदा भी कुछ होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन वाले वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में ये कानून आया क्यों है। तो गाइस, ये कानून इसलिए आया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग यहां पे काम कर रहे हैं जो कि उनको वो नॉलेज है नहीं, ठीक है ना। जैसे ये टेक्नीशियन और टेक्निकल के लिए ज्यादा ये है, तो टेक्नीशियन है, टेक्निकल है, इन लोगों को वो नॉलेज है नहीं लेकिन वो उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है ना। काम वो तो करते नहीं है, ठीक है। जैसे मतलब एग्जांपल पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कि एक कंपनी में कोई मुदीर है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि अपने कोई रिलेशन वाले को बुला लेता है, ठीक है, वो जो उसका भाई हो चाहे कुछ हो, उसको जो है अच्छे पोस्ट पे बुला लेगा। उसको उस काम का ढंग है या नहीं है मतलब नहीं, क्योंकि उसने खुद भेजा, वो उस कंपनी का मुदीर है, मेन मुदीर है, तो वो क्या करता है वीजा इशू करवाता है, बात करके बुला लेता है। अब जो है वो यहाँ पे आता है टेक्निशियन पे, टेक्निकल में, टेक्निशियन में, लेकिन उसको वो काम मालूम नहीं रहता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि उसमें जो काम करने वाले जो लेबर वर्कर होते हैं जिनको उसका स्किल रहता है उससे वो काम करवाते हैं, अपने सिर्फ बैठ के देखते हैं, बताते हैं, काम लेते हैं, बोल देते हैं काम है, और उससे काम करवा के उसको सैलरी कम देते हैं और अपने मेन टेक्नीशियन और टेक्निकल की सैलरी लेते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कुवैत सरकार ने यह फैसला लिया है कि इसका टेस्ट होगा और जितने भी ऐसे वीजे पे काम कर रहे हैं ये लोग अगर टेस्ट देंगे, अगर जो टेस्ट में पास हो गया तो खलास उनका एकामा रिन्यूअल हो जाएगा, और जिसने इस टेस्ट में पास नहीं किया उसको जो है खलास खत्म कहानी, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा उसको कंट्री। तो इसलिए जो है ये कानून बनाया गया। तो मेरे ख्याल से ये कानून एक तरीके से अच्छा है क्योंकि भाई अगर आपको जिस चीज का नॉलेज नहीं है उस चीज में आप क्यों हो, आप भाई गलत पैसा ले रहे हो। जो आपके नीचे वर्कर करता है सारा काम वो करे और जो है कि आप मेन सैलरी ले लो उसको कुछ पैसा दे के, हालांकि काम वो कर रहा है पूरा और उसको नहीं मिला, तो इसमें ऐसा फिर उसके बाद ऐसा होगा कि जो बंदे हकदार हैं उस चीज के, जो बंदे का हक है, यानी जो बंदे का उस पर हक है वो काम कर रहे हैं कि उनको ही ये काम मिलना चाहिए जिनको वो नॉलेज हो। तो ऐसे इसलिए कुवैत गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला लिया और ये एक तरीके से बहुत अच्छा है ताकि जिसको जो हुनर आता है उसको वो काम मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी सप्लायर कंपनी, बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो क्या करती है कि मतलब कि बेन में टेक्नीशियन को जो है उठा के लेकर आती हैं, कम पैसे में काम करवाती हैं उनको करके, और जो उनके अलग ही पोस्ट में बैठे रहते हैं, ठीक है ना, उनका दूसरा पोस्ट रहता है वो अलग पोस्ट पे रहते हैं। तो इसलिए कुवैत सरकार ये सारा चीज देखते हुए शायद इन्होंने रिसर्च किया होगा, इनको पता चला होगा, डाटा इकट्ठा किया होगा, इनको मालूम पड़ा होगा, इनकी टीम को, रिसर्च टीम को तो पता चला होगा, तो इन्होंने सिस्टम लेकर आया है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को पता नहीं ये सिस्टम सही लगेगा कि नहीं लग रहा है, और क्योंकि आप लोग जो है डर ये रहे हो, भाई डरता वही है जो भी डर रहा है एकामा रिन्यूअल होने का टेस्ट के लिए, जो भी डर रहा है उनको डर है जिनको जिस काम में है और वो काम नहीं आता है, ठीक है, लेकिन उनको 1% का डर है। जैसे कि मैं ड्राइविंग करता हूं और ये अगर मेरे लिए ये कानून आया है कि मेरा ड्राइविंग का टेस्ट होगा और मैं टेस्ट में फेल हो जाऊंगा तो मैं ये काम नहीं करूंगा, तो भाई मैं जब ड्राइवर हूं मेरे को मालूम है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। ऐसे ही जो भी टेक्नीशियन या टेक्निकल का जो ये कानून आया है, जो जिस भी काम के लिए ये कानून आया है,
तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं होगी जिसको ऑलरेडी काम पता होगा। टेंशन उसको होगी जिसको काम पता नहीं और वो इस बीजेपी काम कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है बेचारे दूसरे वर्करों को कम पैसा देकर, ठीक है। तो ये कानून मेरे ख्याल से अच्छा है। आप लोगों के गाइस अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप लोग की सोच क्या है, आप लोग इस पे क्या राय देने वाले हैं, ठीक है गाइस, आप लोग का क्या ओपिनियन है। तो बात करते हैं कि अब ये कानून जो आया है ये कब से शुरू होगा, ठीक है। तो ये कानून, अब कुछ लोग भाई कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो टेस्ट वाला स्किल टेस्ट का जो कानून आ रहा है क्या ये लागू हो गया है। तो गाइस देखो, ये कानून अभी कोई भी ये नहीं कहेगा कि लागू हो चुका है, ठीक है ना। ये कोई सरकार ने कानून पास कर दिया है, मतलब पास कर दिया तो मतलब लागू हो गया, ठीक है। लेकिन अभी टेस्ट होना बाकी है, अभी किसी का टेस्ट होना बाकी है, यानी टेस्ट अभी नहीं शुरू हुआ है। और टेस्ट कब से शुरू होगा इसका कोई डेट वेट कुछ नहीं दिया गया है कि इतने डेट से टेस्ट चालू हो जाएगा, ठीक है ना। अब हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पे भी बताए कि मतलब न्यूज में आएगा तो मैं इस पे भी बताऊंगा कब से किस डेट पे टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, कौन सी कैटेगरी से स्टार्ट हो रहा है, पहले किन लोगों का टेस्ट हो रहा है, तो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो आगे वीडियो में बताऊंगा, जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है। तो अभी गाइस आप लोगों को ये बता दूं कि स्किल टेस्ट होगा और होगा क्योंकि कुवैत में कानून पास हो जाता है तो वो चीज होती है। रही बात कब से होगा वो आगे पता चलेगा। और आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ये न्यूज सुन के जो है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे न्यूज चैनल लोग आके सीधे ये बता देते हैं कि गाइस आपका एकामा रिन्यूअल नहीं होगा, सबको टेस्ट लिया जाएगा। और ये ठीक है, टेस्ट किसका लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, ये कोई नहीं बताया। तो मैं सोचा इस पे एक डिटेल से वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और जो भी भाई लोग हैं टेंशन में हैं वो टेंशन ना ले। देखो टेंशन एकदम लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको काम पता है, जो काम में आप आए हो वो काम कर रहे हो और आपको वो काम पता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप आए हो किसी काम में, आपका जो वीजा है, मतलब कि मिसाल के तौर पे आप एसी टेक्नीशियन के वीजा पे आए हो और जो है आप वो काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप दूसरा काम कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो, या मतलब दूसरे से काम करवा के पैसा कमा रहे हो, आपको ढंग नहीं है एसी टेक्नीशियन का, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाओगे, जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो आप टेस्ट में पास नहीं हो पाओगे तो फिर क्या है, आप लोगों के लिए दिक्कत है, फिर आपका एकामा रिन्यूअल नहीं होगा और आपको भेजा जाएगा घर। लेकिन जो बंदा जिस काम में है, जैसे मिसाल के तौर पे एसी टेक्नीशियन वो बंदा आया, उसका वीजा एसी टेक्नीशियन का है और उसको काम भी मालूम है, वो खुद वो काम कर रहा है, फिर उसके लिए कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जब वो टेस्ट देने जाएगा तो वो टेस्ट में पास हो जाएगा क्योंकि उसको नॉलेज है इस चीज की। तो गाइस टेंशन उसको है जिसको नॉलेज नहीं है। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो है कि ये जो टेस्ट स्किल आखिर में है क्या और कब से शुरू होगा, इसकी हकीकत क्या है और किसका रिन्यूअल होगा, किसका नहीं रिन्यूअल होगा, कब होगा कब नहीं होगा, सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी है। तो गाइस और भी किसी चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और गाइस हाँ, अगर इस बारे में मैंने कुछ मिस्टेक की है, कुछ नहीं बताया है आप लोगों को, कुछ भूल गया हूँ, कुछ छूट गया हूँ, तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है गाइस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कानून पास हो चुका है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है, कब होगा मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। तो गाइस चलिए बस यही आज की वीडियो थी। और गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और गाइस अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर दो। और चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।